आज हम लोग बनाएंगे ग्रीन चटनी प्रीमिक्स इंस्टेंटली, जिसमें चटनी हमारी मिनटों में तैयार हो जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। सबकी बिजी लाइफ है तो सबको लगता है फटाफट से हमारा काम हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए एक जोड़ी धनिया, आधी जोड़ी पुदीना और 8 से 10 हरी मिर्च लेनी है। इसे अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसे हमें सुखाना है। आप चाहे धूप में ढक के सुखाएं या इसे घर में ही पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। इसे 2 दिन लगेंगे सूखने के लिए। सुखाने के बाद इसे हम लोग मिक्सी जार में ले लेंगे और इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है हमें। बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप पीनट्स, मूंगफली डालेंगे, 2 चम्मच इसमें ओनियन पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट, जिंजर पाउडर 1 स्पून और 1 स्पून इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार और 1/4 स्पून इसमें डालेंगे टार्टरी, थोड़ा सा ग्रीन कलर। पाउडर फॉर्म में कलर का इस्तेमाल करना है और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक और ओनियन पाउडर हम लोग घर पे कैसे बनाएं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और ऊपर आई बटन पे भी दिया है। इन सबको हम लोग फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल पाउडर फॉर्म बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये पाउडर हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितना फाइन पाउडर इसे ग्राइंड किया है। या बना के महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में बंद करके। इसमें से जब भी चटनी बनानी रहे तो हम लोग इसमें से ले लेंगे 1 से 2 स्पून। इसमें पानी डालना है थोड़ा सा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कंसिस्टेंसी रखेंगे। यह हमारी चटनी तैयार हो गई कुछ ही सेकेंड्स में। जब भी पकोड़े या कुछ भी ऐसी चाट वगैरह खाने की इच्छा हो तो ये चटनी फटाफट से तैयार हो जाएगी आपकी। सिर्फ आप प्रीमिक्स पहले ही बना के रखें, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका काम। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसे ज़रूर ट्राई करें और पिक्चर है इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपलोड करें, मुझे टैग करना ना भूलें। बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट चटनी जो आपका काम बहुत ही ईजी कर देगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।